सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 7, 14, 8, 2018 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने तीन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नंबर एक, पेपर में सभी क्वेश्चन आप अटैम्प करके आते हो, जब आंसर की आती है ना, जब चेक करते हो 5 क्वेश्चन गलत, 7 क्वेश्चन गलत, कुछ बच्चों के तो 8 और 10 क्वेश्चन तक भी गलत हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। नंबर दो, क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा समय लगता है। नंबर तीन, पूरा पेपर लोको पायलट टेक्नीशियन का अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पा रहे हो। इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस क्लास में आपको मिलने वाला है बच्चों, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन ना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर मैं हूँ, सिर्फ यही आपको देखने आना चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चनों को ट्रिक अप्रोच के साथ कैसे सोल्व करेंगे आप सीखने वाले हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर चित्रों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न चित्र प्रॉब्लम फिगर में श्रृंखला पूरी करें। जो आपकी आकृति फर्स्ट है इससे बनाई है आकृति सेकंड, ये जो थर्ड वाली है थर्ड से फोर्थ कैसी बनेगी ये पूछा है। अब आप एक बात देखिएगा, यदि इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं हम, देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके सामने बच्चों, देखो इसमें ये आपका जो तीर का निशान है ऊपर की साइड है, प्रश्न आकृति में क्या हो रहा है, ये जो टॉप पर था ये नीचे की साइड गया, ऊपर की बजाय नीचे की साइड गया। जो नीचे त्रिभुज बना हुआ था डार्क वाला, ये नेक्स्ट आकृति में ऊपर गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, पलट दी गई है बच्चों ये आकृति पलट दी गई है। अब हम देखते हैं, जो हमारा ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन पलट कर इस साइड आ जाएगी, जो हमारा एरो नीचे की साइड है ये एरो ऊपर की साइड चले जाएगा। ये देखो कौन सी आकृति में बनना है, ऐसे करके ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में आपका नहीं है, डी में आपका नहीं है, ठीक है जी, है किस में, सी में, यही राइट आंसर है सी। सी बोले तो अब सी देखो कौन से ऑप्शन पर है, सी देखो कौन से ऑप्शन पर है, सी ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करके यदि आप निकलोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। लगभग 10 से 15% जो गलती होती है स्टूडेंट यही करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि NTPC का पैटर्न बदल चुका है, आंसर सही निकलने के बाद गलत क्लिक हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी देखो कौन से नंबर पर, सी है जी 4 नंबर पर, तो आप 4 नंबर सेलेक्ट करोगे आंसर की में, ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इस गलती से बचना है, लगभग 4, 5, 6 क्वेश्चनों में गलती हो जाती है बच्चों, सही होने के बाद वहाँ पर गलत क्लिक हो जाता है जल्दबाजी में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, निम्न दी गई आकृति में से भिन्न चयन करें। बच्चों अब हमें दिख रहा है कि इनमें क्या हो रहा है, इस आकृति में ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में भी, यदि ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, अर्धवृत्त का यूज हो रहा है, ये रहा देखो, जबकि ई में नहीं है, ई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच से कैसे सोल्व करोगे ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, देखते ही सोल्व करना है बच्चों। अब हमें ये पता है, पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक ही कलर की आकृति बनी हुई है। अब ये देखो, पहले वाली आकृति में जो डार्क वाला पोर्शन है इस साइड था, राइट साइड, लेफ्ट साइड पलटा, और निचले की साइड में लेफ्ट साइड डार्क था, राइट साइड हुआ, तो अब क्या होगा, जो डार्क है ऊपर की साइड तो डार्क आएगा राइट में, और नीचे की साइड डार्क आएगा लेफ्ट में, ये आपका ब्लैंक होगा। ये आकृति देखो कौन सी बनी हुई, क्या ऑप्शन ए में है, जी नहीं, क्या ऑप्शन बी में है, जी नहीं, डी और सी, सी और डी में, ये तो आपका सेम टू सेम है डी में, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको ऑप्शन कट करते हुए चलना है, कुछ स्टूडेंट के माइंड में बात होगी कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, प्रैक्टिस का गेम है, लगभग मेरे साथ ऐसे आप 5, 6, 7 प्रैक्टिस कर लो सेट की, उसके बाद आप भी डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, कार गैराज से वैसे ही संबंधित है जैसे मुर्गी, मुर्गी कहाँ रहती है बच्चों, जैसे जिस प्रकार कार का संबंध गैराज से है उसी प्रकार मुर्गी का संबंध कैसे होगा बच्चों, दरबा से, मुर्गी का संबंध कैसे होता है, दरबा से होता है वैसे। अब ये देखो, दरबा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, पिंजरा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो थोड़ा स्पीड से सोल्व करते हुए चलना, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जैसे जैसे एग्जामिनर कहता है उस हिसाब से ये आपको सोल्व करना है। कथन, कथन क्या कहता है, सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। कथन में क्या कहा गया, परिश्रमी छात्र सफल होते हैं, ठीक है जी, और सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं, ऐसी क्या बात कही गई है, जी नहीं, वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं,
मैं सभी, ये बात जो ऑप्शन सेकंड है आपका, क्या ये बात सही है अकॉर्डिंग टू कथन आपके? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो रहा है बच्चों, ये भी आपकी सही नहीं है। तो क्या होगा, पहला दूसरा ना तो निष्कर्ष एक और, नहीं निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तर्क क्या दिया है? एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा पिछले 5 वर्षों में कीमतों में हुई वृद्धि को देखो या देखें, मान्यता इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दे, दूसरा यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेगी। अब आपको निष्कर्ष देखिएगा क्या निकल रहा है बच्चों इस बार, इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहे हैं जो चुनाव प्रत्याशी था भाई, जो पिछली बार सरकार थी उन्होंने कीमतें बहुत बढ़ा दी, इसलिए इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका आने दे, बिल्कुल बात ठीक है, यदि दोबारा फिर आया तो फिर रेट बढ़ेगा। तो दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं, तो एक व दो दोनों निहित है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गलती नहीं करनी, बस प्रैक्टिस अच्छे से करते चले। देखो अब ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, मैं पूरा दर्पण प्रतिबिंब आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो दर्पण में यदि कोई भी आप, ये दर्पण है हमारा, यदि ए देखेंगे दर्पण में ए ऐसे बनाएगा, ठीक है जी, यदि ई देखेंगे ई ऐसे बनेगा, यदि एफ देखेंगे एफ ऐसे बनेगा। हमेशा दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लास्ट वाले से आंसर स्टार्ट होता है, वो भी उल्टा, लास्ट वाले से आंसर स्टार्ट होता है वो भी उल्टा। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, क्या ई से स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन फर्स्ट जी नहीं, ई से सेकंड थर्ड हो रहा है, ई से फोर्थ भी नहीं हो रहा, फोर्थ तो सीधा ही है, बचा आपका ई, ई के बाद एल उल्टा है गया, ई के बाद एल उल्टा है गया, जी है, आई उल्टा है, लेकिन जो ये एम है ना, एम का इसने वाटर इमेज बना दी डब्लू, ये भी गलत। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही राइट आंसर होगा। ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा मैं मानता हूँ, शुरू के 5 7 10 सेट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यदि आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाओगे। लोको पायलट का एग्जाम हो, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, एक्सवाइजेड, कोई भी आपका एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 8, लोको पायलट और टेक्नीशियन का मैं पूरा पेपर सोल्व करा रहा हूँ, लगभग 50 से 55 मिनट में आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कैसे कर पाओगे, उसमें मैंने निंजा ट्रिक बताई है, एक बार क्लास देखिएगा, लोको पायलट प्रीवियस ईयर वाली जरूर। जिन स्टूडेंट का जेई का पेपर है वो भी मैं एक ही क्लास में पूरा जेई का पेपर सोल्व करा रहा हूँ, वो भी आपको क्लास देखनी है। साथ के साथ आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन की भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अभी तक के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ। अब आपकी डेट और शिफ्ट वाइज साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट है, वो भी क्लास आपको देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे का सवाल पढ़े और सुनिश्चित कीजिए टिप्पणी सबल है, क्या शेयर बाजार धन बनाने के संसाधन है? टिप्पणी देखो क्या कहता है, हाँ शेयर बाजारों में धन कई गुना हो जाता है, नहीं शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा बच्चों? केवल टिप्पणी सेकंड सही है बच्चों, जरूरी थोड़ा, यदि धन लगाना हो फिर तो 5 लाख रुपये या 1 लाख रुपये हर कोई लगा देगा, धन कई गुना हो जाएगा, जोखिम है उसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल टिप्पणी सेकंड सवाल है, सही है मतलब। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को तो देखते देखते डायरेक्ट सोल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या होगा, आपको 3 अलग अलग खेल दे देगा या व्यक्ति दे देगा, क्या दिया है इसमें? क्रिकेट, फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करती है? बच्चों बच्चों तीन खेल है, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, तीनों में कौन है बताना है आपको। अब ये देखो हमें ये दिखाई दे रहा है तीनों में कौन है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों। एक तो ऐसे है तीनों में है, एस जो आपका है तीनों में, दिए गए वेन आरेख डायग्राम के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ, अच्छा के साथ क्रिकेट और फुटबॉल देखो, अब तीनों में तो ऐसे है प्लस, अब क्या बताना है, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट आपका ये रहा, इसमें आपका टी है, फुटबॉल में क्रिकेट में आपका एस हुआ आपका, एक तो टी नहीं है, एक मिनट को दोबारा करते हैं, देखो एस तो तीनों में है बिल्कुल, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट वाला कौन सा है आपका, क्रिकेट वाला ये रहा, फुटबॉल वाला आपका यूरा, दोनों में कौन सा को मैंने वी, एस प्लस वी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, क्लियर है। यदि ये पूछा जाता इस क्वेश्चन में कबड्डी और फुटबॉल दोनों में, तब क्यों राइट आंसर होता, तीनों में एस हो ही चुका है आपका, यदि बात होती तो कबड्डी और क्रिकेट में तब टी राइट आंसर होगा था, फुटबॉल क्रिकेट में वी आंसर है, केवल फुटबॉल में पी राइट आंसर, केवल कबड्डी में आर था राइट आंसर, केवल क्रिकेट में यू राइट आंसर, कुछ भी पूछे बस अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको देखना आना चाहिए आंखों आंखों में। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य है? पूरी तरह विभाज्य है, अब देखिए 3 दूनी 6, 163 हुआ, ठीक है, फिर आपका अपने दाईं ओर की बात हो रही 188,
88, 8 बोले तो ठीक है जी। फिर इसके बाद आपका 388, ठीक है जी। इसके बाद यदि देखिए हम 88 हुआ, फिर आपका 88 हुआ 63, 88, फिर 88, फिर 88, फिर इसके बाद आपका है कौन सा 88, 8 एकम 8, 4 बच्चों। उसमें हमारे चार ही पेयर बन रहे हैं, ह्यूमन टू बी का दोबारा देख लेते हैं। 5 नहीं कटता, 3 से 3 कट जाए, 4 से 2 नहीं कटने का, फिर 4 8 से पूरा नहीं कटने का, पूरी तरह विभाजित है ना, पूरी तरह 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, फिर 2 6 नहीं, फिर 5 नहीं, फिर ये नहीं, फिर 8 8 हो जाएगा बच्चों, फिर 88 हो गया, 4 3 4 पेयर बनने बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखो क्या कैसे सोल्व करते हैं। इसमें क्या हुआ बच्चों, एम आई जेड जेड एल वाई, क्वेश्चन ने क्या लिखा, जेड आई एम वाई एल जेड, हमें दिखाई दे रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस ठीक है ना, क्रॉस क्रॉस ही कर देते हैं। देखो जब आपको 1 2 3 4 चार चार के जोड़ा बनेगा, तो पहले डिजिट पे क्या आएगा, पहले पे आएगा जेड, पहले पे जेड आएगा, और जो आपका लास्ट आएगा, लास्ट आएगा डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू देखो, स्टार्टिंग में जेड लास्ट में डब्ल्यू, इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 100% श्योर है। लगभग आपको ऐसे चार से पांच, से चार पांच क्वेश्चन ऐसे रीजनिंग के सोल्व करने हैं, तभी आप टाइम बचा पाओगे। चार पांच मैथ के कर लेना, टाइम आपके अंदर में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परिवहन, माल, बैंक। जिस प्रकार परिवहन का संबंध बच्चों माल से है, बैंक का संबंध धन से है, धन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मैथ में मैं क्वेश्चन आपको देखते देखते सोल्व करना सिखा रहा हूँ, मैथ के लगभग 20 से 25 चैप्टरों के जो TCS कंपनी द्वारा वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी ट्रिक अप्रोच के साथ शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट कंप्लीट है, एक बार जाकर देखिएगा। मैथ के आपके चैप्टर वाइज पिछले 10 वर्षों के रेलवे के एग्जाम की एक चैप्टर को 3 पार्ट में मैं आपको कवर करा रहा हूँ, 25 25 25, कुल 75 क्वेश्चन, उनको अच्छे से कवर कर लेना, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, आपका पेन में, आपका मैथ में पेन नहीं रुकने का। सबसे बड़ी बात है मैथ खेल किसका होता है बच्चों, खिलाड़ियों का। विदाउट एक्स विदाउट फॉर्मूला मैं आपको मैथ सोल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित क्रम में भिन्न चिन्ह का चयन करें। ओ यू ई टी आई, अब आपको बताना है अलग कौन सा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड बोले तो डी, डी बोले तो टी, टी ही बच्चों स्वर वर्ण है, अन्यथा ये सभी व्यंजन है, ए ई आई ओ यू। क्वेश्चन नंबर 14, अब आपको त्रिभुज बताने हैं, त्रिभुज कितने हैं इसमें देखते हैं, त्रिभुज कितने हैं, छोटे छोटे काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छोटे हुए बच्चों। इसके बाद 8 के बाद देखते हैं हम, 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद 13 के बाद 14, 14 सिंगल 14 हुए ना, सिंगल आपके कितने हुए, 14 हुए, एक ही डबल वाला 15, थोड़ा जल्दी से कर दिया हमने, ये हमने सिंगल वाले जोड़ लिए, ये डबल जोड़ लिया, 15 हुए बच्चों आपके। 15 के बाद आपका एक ये 16, एक ही आपका 17, एक ही आपका 18, 18 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है, तो इस पर क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से अपने स्थान के अनुसार 1 2 3 का संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो व्यंजनों कॉन्सोनेंट के स्थानों पर संख्यात्मक मूल्यों को जोड़ कितना होगा। चलो देखते हैं, ए ई, इसमें पहले तो इसे कैसे लगाएंगे, ए, फिर आपका ई आएगा, ए आया, ई आया, ए ई आई, निगाह यूनिवर्सल पे नीचे भी ए ई आई, एल, फिर एन, फिर आर, फिर एस, फिर यू, फिर वी। अच्छा एक बात बताओ, देखो व्यंजनों के स्थान के संख्यात्मक मान का योग कितना है बच्चों, 4 प्लस 5, देखो 4 प्लस 5 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 5 22 5 27, 4 31, राइट आंसर 31 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, ई जे ओ टी, अब आपको बताना क्या बच्चों, ई, ई में 5 जोड़े,
जे बना, जे में 5 जोड़े 15 पर ओ, ओ में 5 जोड़े 20 पर टी, टी में 5 जोड़ेंगे 25 पर वाई। राइट आंसर वाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बताओ स्पीड से अच्छे से सोल्व कर रहे हो ना। देखो इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, यदि दाया दाया बोले तो क्या होता है बच्चों, घटता है, बायां बायां बोले तो घटता है, दाया बायां बोले तो जुड़ता है, बायां दायां बोले तो जुड़ता है, अलग अलग जुड़ेंगे सेम घटेंगे। चलो देखते हैं, ये मैं आपको रैकिंग वाले क्वेश्चन का ट्रिक बताइए। एक के ऊपर एक किताबें रखी हुई है, यदि एक किताब ऊपर से 18वें नंबर पर, ये ऊपर से भाई एक किताब की नंबर है ऊपर से 18वें नंबर पर, और नीचे से 5वें स्थान पर, नीचे से ये है यही नंबर है 5वां, तो कुल किताबों की संख्या बताओ। बच्चों जब भी ऐसा हो 18 5 कितने होते हैं 23, में से एक कम कर देना 22, क्योंकि ये डबल बार काउंट हुआ है। 22 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई श्रृंखला में से अलग प्राणी का चयन करिए, कछुआ मेंढक, कछुआ केकड़ा मेंढक मछली। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, मछली को छोड़कर अन्य सभी उभयचर प्राणी है, मछली श्रृंखला से अलग है, मछली डी, डी बोले तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, हड़ताल चल रही परिवहन की बच्चों, महंगी होनी होनी वस्तु है। निष्कर्ष, आवश्यक वस्तु के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए, हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवहन को के साथ मोल तोल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, बच्चों अपने वाहन थोड़ा खरीद लेगा, लेकिन हाँ उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करने की बात हो ही सकती है। ऑप्शन सेकंड ही ठीक होगा, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कथन, ग्रेनाइट का रंग दीवार के रंग का है, ग्रेनाइट का रंग दीवार के रंग का है, कथन, अच्छा ये कथन तो कुछ और था भाई, क्वेश्चन क्या है, किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है ये बताने, ग्रेनाइट का रंग दीवार के रंग का है, ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है, तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नहीं बता सकते क्या रंग है, तो आंसर क्या होगा 20 का। दिए गए बच्चों प्रश्न का उत्तर देने के लिए फर्स्ट व सेकंड दोनों ही पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन कौन से में ऐसे, फर्स्ट में ही है, कहाँ से कलर बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 21, पहले इस साइड में थी फिर ये हुई, पहले लेफ्ट फिर टॉप फिर राइट फिर डाउन फिर अब लेफ्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर लेफ्ट बोले तो ऑप्शन नंबर 4, पहले इस दिशा में थी फिर इसमें आई फिर इसमें आई फिर इसमें आई फिर इसमें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। बच्चों ऐसे यदि आपको निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं बच्चों, 2020 की बात हो रही है डायरेक्ट पूछ रहे हैं 2020 को कौन सा दिन, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। अब आप एक काम कीजिए, 2020 की बात हो रही है उससे पहले 2019 देखते हैं, कई तरीके हैं सोल्व करने के, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वो कर लो। ठीक है जी, 400 से कट करेंगे, 400 से कट करके ये कितना बार चलेगा 2000 बार चलेगा, 19 शेष बचेगा, यहाँ कितने होगा आपका 5 बार चलेगा ना, 5 × 0 = 5, विषम दिन निकालने इसका मतलब हम पहले ओड डे। ठीक है जी, अब आपका 19 फिर आपका 4 आएगा फिर 4 × 16 फिर इस 4 × 5 में होगी फिर ये 20 हो जाएगा, बचेगा आपका 3 फिर 1 या 3, 3 × 1 में होगी 3, तो ये कितने होगी 20 3 23, कुल 23 हुई, जनवरी में 3 हो गए बच्चों, फरवरी में 1, मार्च में आपके 15, कुल कितने दिन हो जाएंगे 15 विषम दिन हो जाएंगे। अब 15 विषम दिन हो जाएंगे, इतनी बात समझ में आई आपकी। ठीक है जी, 3 15 1 16 16 3 19, 15 तो होंगे आपके मार्च में, 1 फरवरी का, 1 3 जनवरी के, 19 हुए, 23 और 19 कितने होते हैं 42, 7 × 42 7 × 42 से 0 बचा तो रविवार होगा जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न पारदर्शी पन्ने से हमेशा चित्र को बिंदीदार रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगा। देखते हैं जी, यदि आपने सेम टू सेम इसे मोड़ दिया गया तो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा बच्चों, क्या होगा जी थर्ड, थर्ड बोले तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपस में पूरा पेयर बन जाएगा ऐसे करके, कौन से में एक में तो है डी राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है जी प्यारे बच्चों, आपको ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है जी, आज की क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।